वाले बहुत से लोग भी हो ये बोल रहे हैं, हमारे लिए आवाज नहीं आ रही है। इन योजनाओं के बारे में पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जिस तबके को इन योजनाओं का लाभ दिया गया, उन लोगों को योजनाओं का लाभ देने के साथ बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो वास्तव में इन योजनाओं में किसी एक योजना से वंचित होंगे। उन योजनाओं को इसके साथ उन लोगों को के साथ जोड़ा जा सके जो उनको संतृप्त किया जा सके। इसके लिए इस योजना का प्रचार प्रसार होना और इस योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के एक बृहद अभियान का हिस्सा ही बनाना। यद्यपि पिछले 9 वर्ष 9.5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम देश के अंदर चले हैं उनमें प्रयास हुआ कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, जन जागरूकता का कार्यक्रम हो, योजना बनाने से लेकर के इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तक हरेक पक्ष को देखा जाए। लेकिन लाभार्थी परक बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं जिसमें चयन का आधार सेक्स सूची के अनुसार भी किया गया। सेक्स सूची तब बनी जब केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो स्वाभाविक रूप से उस समय जिस प्रकार की सरकारें थी, जिस प्रकार की मानसिकताएं थी, उसको ध्यान में रख करके बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि हम लोग वंचित हैं। आने वाले समय में उन लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके, इसी के लिए ये एक बृहद अभियान चल रहा है और इसका नाम प्रधानमंत्री जी ने योजना का शुभारंभ 15 नवंबर से किया था। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती पे झारखंड के सुदूर खूंटी गांव में, जहां उनकी पावन जन्म भूमि है, उन जन्म भूमि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर को 2 जनपदों में यात्रा का शुभारंभ हुआ था, सोनभद्र और लखीमपुर जिले में। और आज मुझे देख करके प्रसन्नता होती है कि सभी 75 जनपदों में 536 डिजिटल वैन, जो वीडियो वैन है, यह प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के गांव गांव जाकर के व्यापक जन जागरण कार्यक्रम तो अपना ही रहे हैं, लेकिन व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के साथ साथ वहां पर इन वीडियो वैन के माध्यम से जब गांव के लोग बैठते हैं इस यात्रा की स्वागत के लिए, तो वहां पे लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी देना, स्वास्थ्य मेले का आयोजन होना, विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम होना, और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उन सभी लाभार्थियों के साथ साथ अगर कोई वंचित है तो उनके सर्टिफिकेट भरने के कार्यक्रम भी होते हैं। उनके वहां पर फिर से प्रार्थना पत्र भी सबमिट किए जाते हैं जिससे उन लोगों को आने वाले समय में सैचुरेट किया जा सके। एक बड़ा कार्यक्रम है, 100% सैचुरेशन की तरफ आज जाने की ओर सरकारों की प्रतिबद्धता है और उसी संकल्पबद्धता के साथ विकसित भारत, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं खुशहाल होगा तो वह समाज और देश के बारे में सोचेगा। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक संकल्प दिलाया और वह संकल्प था कि 2047 में जब देश अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब 2047 में हमारा देश एक विकसित भारत हो। विकसित भारत का मतलब जिसमें भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत हो,
भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भारत ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की है, देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है कि दुनिया में उनका सम्मान बढ़ा है। आज हर भारतवासी इस बात को महसूस करता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकता, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब देख रहे हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जिस तेजी के साथ हुआ, यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। लाभार्थी प्रक योजनाओं का लाभ, करोड़ों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आप शौचालय ही देखें, किसी के ध्यान में कभी नहीं आया था कि गरीब के घर में भी शौचालय होना चाहिए, लेकिन 12 करोड़ गरीबों के घर में बिना भेदभाव के शौचालय बने। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 3.25 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने। कोई सोचता था कि किसान के बारे में भी कोई सोचेगा? आपने देखा होगा सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के MSP का 1.5 गुना दाम, लागत का 1.5 गुना दाम किसान के खाते में जाए, यह पहली बार हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना, जिसमें 2,63,00,000 किसान अकेले यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अकेले उत्तर प्रदेश से 55,00,000 गरीबों के आवास बने हैं। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। यानी 10 करोड़ लोग सीधे सीधे 5,00,000 रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा की गारंटी प्राप्त कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की योजना, हर घर नल की योजना, जो देश के हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन कर रहा है। और उन योजनाओं की जानकारी होना, कोविड कालखंड में आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला, और ये अगले 5 वर्ष तक मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों ने इस योजना का लाभ लिया, और अगले 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ लेते रहेंगे। यानी ये बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिन योजनाओं के बारे में व्यापक जन जागरण के साथ साथ अगर कोई फिर भी वंचित है, उन योजनाओं को इसके साथ जोड़ना। लेकिन इसके दो आधार हैं, एक जहां हम लोग इस वीडियो वैन के माध्यम से चौपाल लगा करके ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम करके इन योजनाओं के बारे में व्यापक जन जागरण के अभियान के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ हमारा दायित्व तो बनता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जब हमारे गांव में आए या हमारे कस्बे में आए, तो उसमें हजारों की संख्या में स्थानीय वाद्य यंत्रों के माध्यम से हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री जी के इस विजन को पूरे स्वागत के साथ हम अगवानी करें इस पूरे कार्यक्रम की, और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हमारा जुड़ाव हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक विकसित भारत संकल्प यात्रा में कम से कम 1500 से 2000 लोगों की उपस्थिति हर एक कार्यक्रम में उपस्थित हो। प्रतिदिन 4 कार्यक्रम होने हैं, यानी प्रतिदिन प्रदेश के हर वैन के द्वारा 2 कार्यक्रम आयोजित होने हैं, और 536 वीडियो वैन हैं। इसका मतलब 1072 कार्यक्रम प्रतिदिन प्रदेश के अंदर आयोजित होने हैं। तो 1072 कार्यक्रम जो प्रतिदिन आयोजित होने हैं, हर कार्यक्रम में जो उपस्थिति हो वह 1000 से लेकर के 1500 के बीच में अनिवार्य रूप से हो, एक संख्या को ध्यान में देना। दूसरा, इस आयोजन में अधिक से अधिक वे लोग पहुंचे जिन लोगों को अब तक योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। इन योजनाओं में जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय प्राप्त किए हुए लोग हैं, आयुष्मान भारत की योजना है, पीएम गरीब
कल्याण अन्न योजना का है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़े हुए जो बहनें हैं उनको इसके साथ जोड़ा जा सकता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ जुड़े हुए लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, पीएम पोषण मिशन से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, हर घर नल की योजना या फिर गोवंश संरक्षण के कार्यक्रम के साथ जो तीन प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, जनधन अकाउंट जिन लोगों का खुला है, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम योजना, ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के साथ के लाभार्थियों की अधिक से अधिक उपस्थिति, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक कार्यक्रम में 500 से लेकर 700 तक उन लाभार्थी परक लोगों को भी हर एक जगह उपस्थित करवाने की तैयारी हो जो स्थानीय आयोजक गण हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान और उनके नेतृत्व में बनी हुई टीम, नगरीय क्षेत्र में अगर नगर निगम है तो पार्षद और उनके साथ जुड़ी हुई जो टीम है, नगर निगम है, छोटे कस्बे हैं, नगर पंचायतें हैं, वहां के चेयरमैन और उनकी टीम स्थानीय अधिकारियों के साथ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। महत्वपूर्ण यह है कि जब लाभार्थी अपनी बात को अपने मुंह से कहता है कि अपनी बात को, अपनी कहानी अपनी जुवानी, यानी मेरी कहानी मेरी जुवानी, ये जब अपनी बात सफलतम कहानी को अपने मुंह से बोलता है तो उस गरीब और वंचित के को भी, उसके हौसलों को भी पंख लगते हैं, वह भी सोचता है कि अब मुझे भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर लाभार्थी परक योजना के लाभ देने के साथ साथ जो लाभार्थी हैं उनकी आधे मिनट से एक मिनट के वीडियो वहां पर हम लोग बनाने की कार्रवाई करें। जो वीडियो वैन है वे उसके साथ जुड़े हुए अधिकारी वे तो बनाएंगे ही बनाएंगे, अन्य स्थानीय स्तर पर भी हम प्रयास करें। अब तो स्मार्टफोन सबके पास हो चुके हैं, स्मार्टफोन के माध्यम से भी हम ये वीडियो बना सकते हैं और इस वीडियो को बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक मैं इस बात को देखता हूं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर जितने लोगों के लिए स्वीकृत हुआ है उतने लोगों ने अपने कार्ड नहीं बनाए हैं। जब यह वैन आपके यहां आती है तो उस दौरान वहां पर आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने की कार्रवाई को भी संपन्न किया जाए, बनाया जाए उन लाभार्थियों को, जिससे वह किसी भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के उसका लाभ ले सकता है। ये तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिन योजनाओं के साथ हम लाभार्थियों को जोड़ करके ढेर सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने गांव को पूरी तरह सिचुरेट कर सकते हैं, संतृप्त कर सकते हैं। केंद्र और राज्य शासन की लाभार्थी परक योजनाओं के साथ हम उन्हें पूरी तरह सिचुरेट कर सकते हैं और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण हम लोग स्वयं भी बन सकते हैं। आप सोचिए, अगर किसी गरीब को शासन की योजना का लाभ मिलता है तो केवल एक योजना नहीं होती है भाइयों बहनों, उसका पूरा जीवन परिवर्तित होता है। एक योजना का लाभ देने का मतलब उस परिवार के लोगों को ढेर सारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्यक्रम होता है और उन योजनाओं उस योजना से उसकी बचत जो होती है वह किसी अन्य कार्यक्रम के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत के संकल्प को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पंच प्राण के रूप में हम सबके सामने उस समय एक संकल्प के रूप में दिया था तो यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। एक, हम सब का संकल्प होना चाहिए विकसित भारत, मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बने, लेकिन यह कब बनेगा? जब हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर जब हम बनाएंगे स्थानीय उत्पाद को, वोकल फॉर लोकल, लोकल जो प्रोडक्ट है परंपरागत उत्पाद है उसको प्रोत्साहित करेंगे,
अपने जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना में अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम है, ये इसी का पार्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कार्यक्रम है, ये इसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है। दूसरा है गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। आपने देखा होगा हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के प्रत्येक घर में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा को पहराने का काम किया था। तीसरा उन्होंने का संकल्प था कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना, विरासत के प्रति, आजादी के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण, उनके स्मारकों का पुनरुद्धार, उनका सुंदरीकरण, उनकी मूर्तियों की स्थापना और साथ साथ अपने विरासत के प्रति सम्मान का भाव किस रूप में